अस्सलामु अलैकुम प्यामे शिफा में आपको खुश आमदेद। मैं हकीम अबू बकर सदीक बीवत, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रहम की खारिश, इसकी वजूहात, इलामत, गदा, परहेज और इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल प्यामे शिफा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बात करेंगे वजूहात की। कभी किसी खिलत के गालब होने से और कभी सैलान रहम या वर्म रहम की शिकायत होने से मर्द पैदा हो जाने पर रहम में खारिश हो जाती है और बाद दफ़ा रहम में छोटी छोटी फिंसियाँ भी हो जाती हैं और फम रहम के लुआबदार झिल्ली में खारिज पैदा हो जाती है और जख्म पड़ जाते हैं। बात करें इलामात की। खारिश और सोजिश होती है, अगर फिंसियाँ हों तो उंगली डाल से देखने से मालूम होता है कि फरूज और जख्म होते हैं और इनसे पीप और मवाद खारिज होता रहता है। खारिज की हालत में मुजामत की ख्वाहिश बढ़ जाती है। बात करें परहेज की। लाल मिर्च कम खाएं, मीठी चीज़ों से भी परहेज करें, गुड़ और तेल की पकी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें। गर्म, तेज़ और मसालादार गज़ाओं से और आग के पास बैठने से या सख्त मशक्क़त का काम करने से और मजामत करने से परहेज करें। बात होगी गज़ा की। हल्की नरम दूध हजम बकरे का शोरबा चपाती के साथ या मूंग की दाल चपाती के साथ, नरम खिचड़ी खशका दूध के साथ वगैरह, फ्रूट से ठंडे फल और ठंडी तरकारियां इस्तेमाल करवाएं। बात करेंगे इलाज की। मरहम सफ़ेदक या मरहम काफूर का इस्तेमाल भी मुफीद है। पीने के लिए बाजार से मसफ़ा खून शरबत मिलते हैं, कोई सा पिए मुफीद है। नुस्खा है शाहतरा, चराइता, सरफूंका, मुंडी बूटी, जंग हरीर, संदल सुरख, हर एक साथ साथ माशा, अनाब 5 दाना, रात को गर्म पानी में भिगोकर सुबह मल छान कर शरबत अंजबार 4 तोला मिलाकर पलाना मुफीद है। नुस्खा खारिश और सोजश के लिए बेहद मुफीद है। इसी तरह पोस्त अनार 1/2 किलो, मसूर 1/2 किलो, पानी 5 किलो में जोश देकर ठंडा करके आबे दस्त करवाएं, खारिश और सोजश के लिए सुकून हो जाता है। हमारे दवाखाना प्यामे शिफा में रहम की खारिश और सोजिश का शाफी इलाज किया जाता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वीडियो पूरी देखकर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।